दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं महान ऋषि विभांडक की कहानी, जिनके वीर्य से एक अप्सरा नहीं बल्कि एक हिरणी गर्भवती हुई थी, जिससे कि महान ऋषि श्रृंगी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने दशरथ जी के यहां जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। मुझे कुछ भी भला बुरा कहने से पहले या अपने मन में अपनी भावनाओं को आहत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि महाभारत के एक पर्व के अध्याय में 110 से इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभंडक थे। इतनी रोचक सी बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि महर्षि श्रृंगी एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से समागम कैसे कर सकता है? यह न तो धर्म सम्मत है, न ही व्यवहार सम्मत है। और इस संसर्ग से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर जी को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताएं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभंडक तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में रहकर गणगौर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समान देदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गया। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की कि किसी तरह विभांडिक मुनि के तप को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्रपद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं के बात में आ गए। उन्होंने विभंडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मुनि अग्निकुंड में ध्यान लगाए तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की, साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने माधुर्य का ऐसा मोहक सम्मोहन डाल दिया जिससे कि ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते बरसों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही प्रभावित हो गया। ऋषि का वीर्य प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऋषि की वीर्यपात होते ही उर्वशी तो अपने लोक में चले गए, लेकिन उसी समय पर वहां पर एक हिरनी आई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में सना हुआ ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के वीर्य के तेज से उसके पेट में गर्भ आ गया और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सर पर एक सिंह था। इसी के चलते उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वह महान ऋषि हुए, जिसके कारण उनका नाम ऋषि श्रृंगी हो गया। महात्मा युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि को कोठोकते हुए कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह तो अप्राकृतिक है, इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते कि वह हिरनी कोई सामान्य हिरनी नहीं थी, बल्कि वह अपने पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वह देवकन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उस दिन उपाय बताया था कि जब वह किसी भी ऋषि का वीर्य अपने गर्भ में धारण करेंगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगी और वापस देवकन्या बन जाएगी।
महर्षि लोमश कहते हैं कि प्रजापति लोमश की कोई भी बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती है और इसीलिए उनकी वाणी को सख्त करने के लिए कभी कभी कुछ पारलौकिक चीजें हो जाती हैं, जिन्हें हम सामान्य मनुष्य अपनी मेधा से समझ नहीं सकते हैं। फिर भी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चूंकि वह विभंडक ऋषि के पुत्र थे इसलिए विभंडक ऋषि ने उस बच्चे का लालन पालन अपने ही पास किया, लेकिन एक स्त्री के चलते उनका तप खंडित हुआ था, इसलिए विभांडक मुनि के मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था। वे अपने पुत्र को स्त्री की परछाई से भी दूर रखना चाहते थे, इसीलिए वे एक जंगल में ले जाकर उसकी परवरिश करने लगे, जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने युवावस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था, और इधर विभांडक मुनि क्रोध से भरे हुए थे। उनके विरोध के कारण उस नगर में, जो कि जंगल से सटा हुआ था, अकाल पड़ गया। वह नगर अंग देश कहलाता था और वहां के राजा थे राजा रोमपाल। कहीं कहीं उन्हें रोमपाद भी कहा जाता है। तो राजा रोमपाल के राज्य में अकाल पड़ गया और वह अकाल लंबा चलने लगा, क्योंकि विभांडक ऋषि का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा था। राजा रोमपाल बहुत प्रयास करके हार गए, लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब रोमपाल ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में निपुण विद्वानों ने अपने गणना से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी तरह श्रृंगी ऋषि के कदम राजा रोमपाद के नगर में पड़ जाएंगे तो यह अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा रोमपाद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कथा में ऐसी बात आती है कि जब दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से हुआ था और वे अपने वैवाहिक जीवन के पहले ही चरण में थे, तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, और उस समय राजा रोमपाद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चल रहा था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा रोमपाद ने अपने मित्र दशरथ से कहा था कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मैं अब लगता है कि संतान के सुख से दुखी रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, मैं भी अपने जीवन में संतान सुख का अनुभव कर सकूं। महाराज दशरथ अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी पुत्री को राजा रोमपाद को दे देते हैं और पुत्री का नाम राजा रोमपाद शांता रखते हैं। इधर जब विद्वान लोग उन्हें बताते हैं कि किसी तरह ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुला लीजिए, उनके कदम आपके राज्य में पड़ेंगे तो वर्षा होगी, तो राजा रोमपाद उन्हें बुलाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी ने अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और ना ही उन्होंने आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वह जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर के ही अपना जीवन बिताते थे। तब राजा रोमपाद ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुन करके उनके आश्रम में भेजा। वे स्त्रियां उनके आश्रम के नजदीक एक आश्रम बनाकर रहने लगी। वे ऋषि श्रृंगी के यहाँ तब जाती थीं जब उनके पिता विभांडक ऋषि अपनी तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। वहां पर जाकर वे श्रृंगी को तरह तरह की चीजें दिखाती और उन्हें तमाम मीठी बातें बताती। ऋषि श्रृंगी के मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय कभी काम वासना से हुआ ही नहीं था। ऋषि श्रृंगी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वे उन तीनों से मित्रवत व्यवहार करते हुए मातृभाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया, क्योंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे तो उन्हें शर्करा की मिठास के बारे में मालूम नहीं था। जब तीनों स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया तो उन्हें लगा कि यह कोई विशेष तरह का फल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल नहीं खाया है। तब स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे फल बहुताय मात्रा में होते हैं, अगर आप चाहे तो हम अपने यहाँ आपको इन फलों को दिखा सकते हैं और भरपेट आप इनका भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो हमारे साथ हमारी जगह पर चलिए। तब श्रृंगी अपने पिता को बिना बताए राजा रोमपाद के यहाँ जाने को तैयार हो गए। वे उन स्त्रियों के साथ राजा रोमपाद के नगर में गए। वैसे ही वहां पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपाद के राज्य से अकाल की समाप्ति हो गई। लेकिन राजा रोमपाद जानते थे कि यह एक छल है। उन्हें डर था कि कहीं विभांडक ऋषि वापस आकर उन्हें श्राप न दे दे।
इसलिए उन्होंने विभांडिक ऋषि के उनके महल में आने से पहले ही कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए उन्होंने भोले भाले ऋषि श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंगी निर्मोद थे। वे विवाह के अर्थ को भी समुचित रूप से नहीं जानते थे, लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनके मन में उनके प्रति प्रेम के आकर्षण का भाव जागृत हुआ था, इसलिए उन्होंने तत्काल ही उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इतने में बरसात होते देखकर विभांडक ऋषि समझ गए कि श्रृंगी किसी न किसी की नगर में चले गए हैं। क्रोध में तमतमा हुए राजा रोमपाद के महल में पधारे। वो राजा रोमपाद को श्राप देने वाले थे, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि शांता और ऋषि श्रृंगी का आपस में विवाह हो चुका है। पानी ग्रहण संस्कार किया जा चुका है। अब ऋषि विभंडक और राजा रोमपाद संबंधी थे। विभांडक ऋषि ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र वधू और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। कालांतर में यही ऋषि ने एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे, उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, क्योंकि एकमात्र ऋषि श्रृंगी थे जो इस यज्ञ को संपन्न करा सकते थे, क्योंकि पुत्र यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो। ऐसे ऋषि श्रृंगी ऋषि केवल थे। कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से वह सिंह भी गायब हो गया था और वह प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। इस प्रकार मित्रों, ऋषि श्रृंगी महान ऋषि हुए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं एक और वीडियो में। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।